देश में 44 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 186,364 नए कोरोना केस आए हैं और 3,660 संक्रमितों की जांच चली गई है। वहीं 2,59,459 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 76,755 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इसमें पहले बुधवार को 211,298 नए केस दर्ज किए गए थे और 3,847 संक्रमितों की मौत हुई थी। 27 मई तक देश भर में 20,57,20,660 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 29,19,699 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 33,90,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20.70 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,75,55,457, कुल डिस्चार्ज 2,48,93,410, कुल एक्टिव केस 23,43,152, कुल मौतें 3,18,895। केंद्र ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंथ पड़ रही है और साथ उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों में अधिक ढील देने के बावजूद भी मामलों में कमी जारी रहेगी, लेकिन साथ ही कहा कि अब भी उपचाराधीन मामले बहुत ज्यादा हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% है, जबकि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 9% कम हो गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।